नमस्कार, न्यूज इन साइंस में आपका स्वागत है। पेश है प्रोग्राम विज्ञान के ऐतिहासिक पन्ने। आज हम चर्चा करेंगे रॉबर्ट हुक की, जो एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे और जिन्हें 17वीं सदी के महान आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म आज ही के दिन 18 जुलाई 1635 में इंग्लैंड में हुआ था। उनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड में हुई थी और 1662 में उन्हें नव स्थापित रॉयल सोसाइटी का क्यूरेटर नियुक्त किया गया, जिसमें रॉबर्ट ने एक सचिव के रूप में भी काम किया था। रॉबर्ट ने भौतिकी, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और यहाँ तक कि नौसेना प्रौद्योगिकी से लेकर कई तरह के क्षेत्रों में शोध किए थे। आइए डालते हैं उनके योगदानों पर एक नजर। उन्होंने सबसे पहले ग्रेगोरियन रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप का निर्माण किया और जुपिटर के रोटेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने मार्स की सरफेस के नक्शे भी बनाए। केवल यही नहीं, बल्कि उन्होंने घड़ियों के लिए बैलेंस स्प्रिंग का आविष्कार किया और कई मौसम संबंधी उपकरणों में सुधार लाया, जैसे बैरोमीटर, अनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर आदि। 1665 में रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका को खोजा और उन्हें यह नाम देने के लिए भी याद किया जाता है। चलते चलते आपको यह भी बता दे कि आज ही के दिन साल 1898 में मैरी क्यूरी और उनके पति पियरी क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे और अधिक वैज्ञानिक जानकारी के साथ। देखते रहिए न्यूज़ इन साइंस। नमस्कार।